ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये हमारा टॉपिक है। ओके तो हम लोग इतना कीजिए कि एन का जो तो मॉड्यूल है ना, कम से कम वो तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस क्योंकि वैसा क्वेश्चन आया था ना, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा उसी के बेसिस पे आएगा, सिलेबस ज्यादा थोड़ी पूछेगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 42, इसमें क्या है, इसमें पढ़िए, इफ ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 0.5 आई माइनस 0.8 दे प्लस ठीक है। ओके तो इसमें क्या कर रहा है, ये पूरा पूरा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है आपका, वन। मतलब कि ये पूरा का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, वन होगा। ओके मतलब कि 0.5 पास पर प्लस 0.8 पास पर प्लस सी पास पर। ओके तो यहाँ पे माइनस 0.8 है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 0.8 का मतलब क्या होता है, टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा, और जो माइनस टू होगा उसका स्क्वायर कितना होगा, वो भी फोर होगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू प्लस फोर ही आना है, तो इसमें हम निगेटिव का चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन स्क्वायर करेंगे, और इसका वैल्यू किसके बराबर करेंगे, वन के बराबर करेंगे। तो हमारा मान कितना आ गया, अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, अगर हमको स्क्वायर रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 का कितना हुआ, 0.25, स्क्वायर सब जगह स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 88 64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 64 प्लस 25 कितना हुआ, 5 4 9, और इधर हुआ 6 7 8, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर का मान कितना हो गया हमारा, 1 में से 0.8 टेन गया, कितना हुआ हमारा 0.11। जब सी स्क्वायर का मान 0.11 बनाएगा तो सी का मान कितना आएगा, रूट 0.11। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, तो कोई इसका वैल्यू को बता सकता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, ये थ्योरी बताया ना, इसका मान जल्दी बताओ कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन वेक्टर, कोसाइन वेक्टर का हम क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो कोसाइन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, आई प्लस डी प्लस रूट टू के, तब इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए बाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए डेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके इसका सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। ओके रूट कर देंगे तो 1 1 1 और रूट टू का 2, आपका कितना हो गया 4, आपका वैल्यू कितना हो गया 2। तो हमारा वैल्यू कितना करेंगे, 1 बाई 2 1 बाई 2 रूट 2 बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 44 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ये हमारा एक कोई वेक्टर है, इसका हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए क्या होता है आपका, वेक्टर ए डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो आई प्लस दे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर रूट टू, हमारा आंसर रूट टू आ गया। तो हम इसका मान कितना करेंगे, आई प्लस दे डिवाइड बाय रूट टू, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, इस सारा क्वेश्चन कितने ही दिन लग रहा है? ओके, इसमें क्या करा? द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, हमारा यूनिट वेक्टर कितना होगा इसका रिजल्टेंट का? तो इसका रिजल्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो हमारा मान कितना होगा? 4 प्लस -1 3i, 3 प्लस 3 6j, और 6k-8k-2k. ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ए और ए, 2 और 3 तो नहीं होगा. ओके, ए और डी में से काटना है हमको. अब इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका? 3 * 9 36 और 2 * 4, इसका रूट कर दो सीधे. दैट हम कर सकते हैं, हम समझते हैं कि आपको इतना टैलेंटेड है. तो यहाँ पे क्या होगा? 9 + 4 = 13 और 36 + 13 14 * 9 और 3 * 4 49. तो √49 कितना होगा आपका? 7. तो 1/7, तो नीचे में 7 होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1. ओके, हम समझते हैं क्या, समझ जाओगे इतना. आगे बढ़े, देख कितना इजी क्वेश्चन है. अब इसमें क्या करें? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या यूनिट वेक्टर? अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ वेक्टर बी? ओके, वेक्टर ए का मान इतना है तो वेक्टर बी का मान कितना होगा? ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की तरफ. ओके, इसका मतलब क्या हुआ हमारा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मान कितना आएगा हमारा? 1. और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होगा हमारा? आई. ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम हमारा कितना? एक्स एक्सिस में. तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किधर है हमारा? आई डायरेक्शन होना चाहिए. अब करें, वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, तो वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है? आई माइनस दे प्लस के, आई माइनस दे प्लस के प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई. तो आपसे पूछेगा कि वेक्टर बी का मान कितना होगा? तो देखो, ये आई से आपका आई कट सकता है कि नहीं कट सकता है? और ये माइनस ये ऊपर जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस दे और माइनस के. तो वेक्टर बी का मान कितना होगा हमारा? दे माइनस के. कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2. कितना है दीजिए, है ना दीदी? 48 में. फोर्सेस 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 12 न्यूटन जो है वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सबका सब परपेंडिकुलर है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 3i प्लस 4j प्लस 12k. ओके, ये हमारा वेक्टर ए. तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा हमारा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर. कितना हो गया? 3 * 9, 4 * 16, 12 * 12 = 44. ओके, तो हमारा पूरा वैल्यू कितना आएगा? 9 + 16 + 44. दूर के देखो कितना आता है,
169 आ रहा है, और 169 किसका स्क्वायर रूट है? अब देखो आपका क्या एंगिन डेट वेक्टर ए मिक्स बिट बाय एक्सिस, ये कह रहा कि बाय एक्सिस से कितने एंगल बनाएगा, तो आपके पास क्या पता है इसका कोसाइन वैल्यू, कोसाइन वैल्यू कितना होता है ए बाय बाय ए, ओके तो आपका कॉस थीटा का मान था बीटा का मान कितना आएगा ए बाय कितना है 3, और इसका जो है पूरा ए का मान कितना होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, 2 × 4 = 9, 9 + 4 √13। कोई ऐसा ऑप्शन है √3/13? नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसका जो होता है ई होता है बी बाई एच होता है, कॉस्ट कितना होता है बी बाई एच, तो पी का मान कितना होगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना होगा 13, और बी का स्क्वायर कितना होगा 9, 13 में से 9 गया तो कितना होगा 2, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे p आ गया 2, ओके तो आपका जो tan थीटा होगा उसका मान कितना होगा p by b मतलब कि 2/3, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है? है कि नहीं? यहाँ तक दिक्कत समय अब आपको समझ आ रहा है कि कहाँ पे कोसाइन रूट यूज करेंगे, कहाँ पे डायनामिक थ्योरम यूज करेंगे, डायनामिक थ्योरम भी यूज करना सीखिएगा, ओके मेन टॉपिक कैसे नहीं तो है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, एक सेक्शन का यहाँ पे एंड हो गया, ये तो न्यूटन ऑफ वेक्टर, ये तो न्यूटन ऑफ वेक्टर में कोई दिक्कत हेमंत कशिश क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा वेक्टर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ओके इसमें क्या आपको पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड दैट ऑफ वेक्टर बी, अच्छा वेक्टर ए व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एम एस पी, देखो वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर ए माइनस बी, तो इसका मान कितना होगा वेक्टर ए के बराबर, तो वेक्टर ए और ए दोनों का रिजल्टेंट के बीच में कितना एंगल होगा 0 degree, कितने है दिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस बी दे इस पर पेंडिकुलर टू द वेक्टर आई प्लस दे देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान कितना हो सकता है, ओके तो देखिए अगर इसका मान ए ये कुछ भी होगा और ये कुछ भी होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई इज इक्वल टू 0, ओके ये 0 कब होगा, तो इसका मान 1 है इसका मान 1 है, इससे गुणा करेंगे कितना होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी 0 कब होगा, तो जितना वैल्यू ए का होगा उतना वैल्यू बी का होगा लेकिन निगेटिव में, तो एक का वैल्यू पॉजिटिव मान चाहिए एक का वैल्यू निगेटिव मान चाहिए, तो इसमें से कौन सा डाटा ऐसा है जिसमें से कि एक का मान पॉजिटिव है एक का मान निगेटिव है, ऑप्शन नंबर 4 एक का मान पॉजिटिव एक का मान निगेटिव है, तो अल्टीमेटली करके क्या करेगा ए प्लस बी का मान 0 हो जाएगा,
गिवन दैट ए इज इक्वल टू बी, इसमें क्या दिया हुआ आपका, ए जो होता है बी के बराबर, तो भाट इज एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो आपका ए प्लस बी में और ए माइनस बी में कितना एंगल होगा, ये पूछ रहा, और ए और बी दोनों का वैल्यू बराबर है, ये ए हुआ तो बी हुआ, तो अगर ए प्लस बी यहाँ पे होता होता है तो माइनस बी कहाँ पे होगा, माइनस बी यहाँ पे होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे होगा, ओके तो बेटा दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, ऑप्शन नंबर फोर, ओके द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्स आर इसमें क्या करा कि वेक्टर दो वेक्टर का जो सम है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई कंडीशन आता है कि वेक्टर सम दोनों का वेक्टर डिफरेंस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर सम दोनों का वेक्टर डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, दोनों का वैल्यू बराबर होगा कि डिफरेंट होगा, एक मिनट ए और बी दोनों का वैल्यू बराबर होगा, ओके एक मिनट यहाँ पे क्या ए और बी दोनों का वैल्यू बराबर है, ठीक है, अगर ये हमारा ए होता है और ये बी होता है, ए प्लस बी कितना होगा हमारा और ए माइनस बी का मान कितना होगा, जीरो, ओके तो ए प्लस बी का मान हमारा कितना है, ए, ये होगा हमारा माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान कितना होगा हमारा, जीरो, ओके और ए प्लस बी कितना होगा हमारा, टू ए, तो दोनों के बीच में कितना होगा, जीरो डिग्री, उसका सही है 90 डिग्री, कैसे होगा इसमें, तो वेक्टर सम दोनों का वेक्टर डिफरेंस के बीच में इसका एंगल कितना होगा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है, ए और बी अगर ये ये तो 45 डिग्री होगा, तो ऐसा होता है इसका मान 45 डिग्री होगा इससे यहाँ पे, ठीक है, और ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा, सॉरी एक मिनट सोच नहीं पा रहा है, ए बी, ये हुआ ए प्लस बी, ये हुआ माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना होगा आपका, ये यहाँ पे होगा, ओके ये ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी हुआ, ओके हाँ सही है, समझा के देखो, ये हुआ ए प्लस बी का यहाँ पे आएगा और ए माइनस बी का यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए प्लस बी उधर गया, ए माइनस बी, तो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, ओके तो वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री, ओके तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है,
अगर वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर टू, फिफ्टी का ऑप्शन नंबर टू, 54। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर ए बी सी आर 12, 5, 13। ओके, तो वेक्टर ए बी सी का जो मैग्नीट्यूड कितना हमारा 12, 5, 13 है। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो दो तो ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, तो यहाँ पर सीधे पुट करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो ए का मान कितना पुट करोगे 5, बी का मान कितना पुट करोगे 13, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12। ओके, यहाँ पे 12 ना होगा, हाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ओके, तो आपका मान कितना हो गया 5, 25, 12, 144 और 5, 10, 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 169। तो आपका मान कितना होगा 25 प्लस 144, 169। ये दोनों पोर्शन कट गया, तो आपका कितना हो गया 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय टू। वेक्टर पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 5, 12, and 5, 13, तो दोनों के बीच में कितना होगा 5, 12, 13 एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, देन द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में कितना एंगल होगा। ओके ओके, ये हुआ पी 5, ये हुआ क्यू 12, और ये क्या हो गया हमारा 13 आर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू एंड आर के बीच में, क्यू एंड आर के बीच में पूछते हैं। ओके, तो इसको जो पैनोग्राम बनाते हैं, क्यू और आर, ये क्यू हुआ, ये आर हुआ, ठीक है, एक क्यू हुआ और आर हुआ, और किस पॉइंट पूछे, क्यू और आर के बीच में चाहिए। ओके, तो क्यू वेक्टर, क्यू और वेक्टर आर का दोनों दोनों टीम को आपस में ज्वाइन यहाँ पे है, तो ये होगा हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो इसका मान कितना होगा हमारा कॉस थीटा का मान कितना होगा, ये 5 है, ये भी 5 होगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा बी बाई एच 12 बाई 13, कॉस थीटा का मान कितना होगा 12 बाई 13, तो थीटा का मान कितना, कॉस का मान कितना हो गया कॉस इनवर्स 12 बाई 13। ऑप्शन नंबर सी, समझ आया चीज, 55 समझ आया। वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 4i-3j, तो इसका दो ऑप्शन है, ये क्या करो कि सारा ऑप्शन से गुणा करो और किसका मान 0 आता है वो पता चलेगा, या फिर यहाँ पे सीधे 7k दिया हुआ है, तो 7k क्या होगा, डेट ऐसी दो परपेंडिकुलर ना होगा हमेशा एक साइड प्लेन का, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर अपोज होगा। और बाकी सभी छांटना होगा, तो क्या करेंगे हम, ये सबको क्या करेंगे, सबसे गुणा करके देखेंगे, तो जिसका मान 0 आ गया वो उसका परपेंडिकुलर हो गया, है कि नहीं, इसके साथ बहुत सारे परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, पैसा बात नहीं है, लेकिन यह तो देख के मालूम चलता है। तो हमारे पास फोर्स है 3i+2j, ओके, और डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 2i-3j, तो एफ डॉट एस कितना होगा, ओके, वर्क डन कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है
उसको बोलते हैं बग डन। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 3 दुनी 6, 2 3 2 टिया 6, 6 6 0, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो वेक्टर पी डॉट क्यू का मान कितना है आपका, क्यू क्यू के बराबर है, तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में कितना एंगल होगा? तो देखो पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, तो अगर कॉस थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। जबकि इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? इसमें क्या करा कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस बी का जो है मान है वो क्या है आपका, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा हमारा, कॉस थीटा का मान होगा माइनस बी बाई ए, तो ये सबको पता है कि ये बताना पड़ेगा। बी बाई ए होते कि मैं ए बाई बी, इसका वैल्यू कितना होगा, कितना इनका नाट मेरा मेमोरी क्या कह रहा है, मैं ए बाई बी। हाँ हाँ बोलो। रुक रुक के 5 मिनट में आता है क्या, रुक 1 मिनट रुक। ओके इसमें क्या करा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी कितना होता है, ये कितना होगा वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय किसके टर्म पूछ रहा, इसकी इसके टर्म पूछ रहा। ओके ए डॉट बी डिवाइड बाय बी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि इसमें क्या आपके पास वेक्टर कंपोनेंट है, याद है आपको ए डॉट बी का मान कितना होगा हमारा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी कितना है हमारा, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी यूनिट वेक्टर ऑफ बी बन जाएगा। ए डॉट बी कितना हुआ हमारा, 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 4, अब बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ √2, और प्लस कितने ना उसको कौन कीजिए नहीं यहाँ पे, हाँ मैनुअल वहाँ पे बटन होगा।
ओके तो ये कितना हो गया हमारा, अब इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई प्लस डी डिवाइड बाय रूट टू, हमारा मान कितना हो गया 4 + 3 = 7, 7/2 इंटू आई प्लस डी, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 7/2 इंटू आई प्लस डी ऑप्शन नंबर 4। होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं, आज कितना क्वेश्चन हुआ, ये भी हमारे साथ बंद रहेगा, 61 बना ही देते हैं। जब वेक्टर बी हमारा इतना दिया हुआ है, अब वेक्टर ए इतना दिया हुआ, तो सी एस का मान कितना होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो हमने परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या बताया कि अगर कोई वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना होगा हमारा, 0। तो इसको डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसको मान 0 निकालते हैं, ठीक है। तो देखो आई इंटू आई 1 = 7, 5 = 15, ऐसा कितना होगा 2 × 1 = 2, और यहाँ पे कितना होगा -2s = 0, 15 + 2 = 17। तो -2s का मान कितना होगा, -17, माइनस माइनस कट गया, s का मान कितना होगा 17/2, 8 × 2 = 8.5, ऑप्शन नंबर 4। ओके तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से क्लास रेगुलर चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना को समझ गया एक दिन में, दस क्वेश्चन साथ बन गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कशिश क्वेश्चन हेमन, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके आज 12 नहीं ले पाएंगे, 11 बज जाएगा, कल से क्लास वही 10 बजे से नॉर्मल होगा, 10 से बैठ रहा हूँ, 10 से 11, 11 से 12, हाँ सही है, वही वही टाइम रहेगा।